बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ महमूद यूसुफ। आई रिप्रेजेंट मैथ महमूद चैनल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.1 1.2 की थी, आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3। इन दोनों से डिफरेंट मेथड है, लेकिन इसके अंदर फैक्टराइजेशन का मेथड भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो सपोज या लेट वाला मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को सपोज कर लेंगे। x स्क्र इज इक्वल टू वाई एंड x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। 2x वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। इस 2 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 10। अब 10 के हमने इस तरीके से फैक्टर बनाने के अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाए वो 11 आ जाए। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 10 है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 10 इज इक्वल टू 10 -10 - 1 इज इक्वल टू -11। हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया। अब हम 11 की जगह क्या लिखेंगे, 10 और 1। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या बना लेने हैं, पेयर। ये पेयर, ये पेयर। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई 5। हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर हमारे पास माइनस बाहर हो और अंदर कोई भी साइन हो, ऑटोमेटिकली हमने चेंज करना है। अगर हमारे पास प्लस हो तो ब्रैकेट लगाने के बाद हमने साइन कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता। ये प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन फाइंड करने हैं। 2y माइनस 5 माइनस, जब कोई साइन वैल्यूज कॉमन हो तो अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला एक है तो कॉमन भी एक आ गया। 1y माइनस 5। देखो दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं, इसलिए हमारा आंसर भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सेम है। y माइनस 5, इधर क्या रिमेनिंग आ गया हमारे पास, 2y, इधर क्या बच गया -1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसका क्या करना है, 2 पोर्शन इसके बना देनी है। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके किसके पोर्शन बन गए, 2। अब हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 1। अब ये 2 किधर चला जाएगा, 1 के नीचे। y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। हमने पहले भी सपोज किया था कि y की वैल्यू को हमने सपोज किया था, ये y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ द y वी पुट द वैल्यू ऑफ y। x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमारे पास ये स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर को एंड करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास फार्मूला यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है स्क्वायर रूट का। अब इस एक्स स्क्वायर को हमने हल करने के लिए जो चीज़ यूज़ करेंगे वो होगी हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। हम हमारे पास दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ है ये चीज़ें हमें, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दूसरी साइड पे हम वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन शो करते हैं। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अभी चीज़ याद रखना, 1 कोई भी वैल्यू अगर हम उसका स्क्वायर ले लें वो भी 1 आता है, स्क्वायर रूट ले लें वो भी इसका 1 आता है। x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। अब ये इसका सॉल्यूशन निकल आया, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट इसका आंसर निकला हमारे पास, ये फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5x/1/2 माइनस इज इक्वल टू 7x/1/4 -2। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यूज़ को उठा के जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, 5x/1/2 माइनस 7x/1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हमारे पास इजीली सॉल्व नहीं होगी। अब हमने इसे क्या करना है, सपोज या लेट। x/1/4 इज इक्वल टू वाई एंड x/1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू इन दिस स्टेटमेंट, 5y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब हमने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये इसके फैक्टर बनाने। देखो ये दो वैल्यूज हैं, 5×2 = 10, सिंपल है, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 एंड -2 - 5 इज इक्वल टू -7। सिंपल क्वेश्चन ही में इसे सॉल्व किया हुआ है, 5y² - 2y -5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके पेयर बना लेने हैं, 5y² - 2y -5y -2, ब्रैकेट के बाहर क्या हमारे पास साइन है माइनस का, इसलिए हमने अंदर वाले साइन को चेंज कर दिया। इसमें से कॉमन निकालेंगे हम लोग, 5y कॉमन आ जाएगा, 5y इक्वल टू वाई -2, इसमें कोई थोड़े से चेंज करना था भाई, फाइव वाई स्क्वायर माइनस 5y एंड -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसे अरेंज करना है। अब ये 5y माइनस 5y, 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये 5 दोनों एक साइड पे आ गए और ये 2 दोनों एक साइड पे आ गए। अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5y कामन आ जाएगा, y माइनस 1 माइनस 2 कामन आ जाएगा, 2 कामन आ गया तो y माइनस 1, y माइनस 1, 5y माइनस 2, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके दो क्वेश्चन करेंगे। फाइव वाई माइनस 2 is equal to 0 and y minus 1, y minus 1 is equal to 0, 5y is equal to 2, y is equal to 2 or 5, y is equal to 1। अब हमने क्या मेथड यूज़ करना है कि जो y की वैल्यूज़ थी उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y। जो हमने इक्वल किया था हमारे पास 1/4, y किसके था, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब एक चीज़ याद रखना, कोई भी वैल्यू जो हमने एंड करनी होती है उसी वैल्यू 1/4 है तो इसे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इस तरह स्क्वायर होता है 2 होता है, इस तरह 1/4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 1 x 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। अब ये 4 से कट गया, x इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। जी हमारे पास आ जाएगा 5 के वैल्यू, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 6 टू 5, ये इसका आंसर निकल आया। हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। अब 1 की पावर 4 को अगर हम मिलियन से ट्रिलियन मरतबे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। 4 से कैंसल, x इज इक्वल टू 1। अब 16/6 25/1, ये इसका सोल्यूशन हमारे पास निकल आया। सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं आप लोग, सोल्यूशन भी लिख दें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इजी है। -2 +5 इज इक्वल टू 8, x की पावर -1 हो जाएगा। अब हमने इसे क्या करना है, इस वैल्यूज़ को उठा के हम उसी साइड पे ले जाएंगे, 3x -2 +5 -8x की पावर -1, ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये अरेंज नहीं है हमारे पास, कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक, ax² bx प्लस c। अभी हमारे पास c की वैल्यू से साइड पे कर दो, 3x की पावर -2 -8x -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास निकल रही है। अब हमने इसका क्या करना है, इसे हमने उसी तरीके से वैल्यूज़ को सपोज कर लेना है कि अच्छा एक और मैथड भी है इसका, अगर आप इसे 2 को नीचे ले जाएँ तो ये 1/(x^2) हो जाएगी और ये वक्स 1/x हो जाएगा। सिंपल मैथड एक और भी है 3 1/(x^1 - 1 / 1 + 5 = 0। एक मैथड ये भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज़ को x square multiplying on both sides 3 1/(x^2) x square minus 8/(x^2) उसके बाद प्लस 5x square = 0x square। ये हमने क्या कर दिया, x square को ये इससे कैंसर 3 - 1 x x से गया 8x + 5x square। अब इसे हम अरेंज कर देंगे दोबारा 5x square - 8x + 3 = 0। अब हमारे पास देखो सिंपलीफाई हो गई। अब हमने इसका 5 3 = 15। अब हमने 15 के फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास -8 आ गए। 5x square - 8x + 3 = 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है 5 3 = 15 के फैक्टर बनाएंगे, हमारे पास 8x आ जाए। 5 3 इसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। देखो -5 3 = 8 - 5 - 3 = -8। ये हमारे पास आंसर निकला है। अब आपने अरेंज कैसे करना है, ये 5 को इस 5 के साथ लिखना और इस 3 को इस 3 के साथ लिखना ताकि दोनों अरेंज हो जाए। 5x square - 5x - 3x - 3 = 0। 5x square - 5x ये पेयर -3x - 3 ये पेयर हो गया। ठीक है, पेयर अब हमने क्या करना है, इसमें से यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा। 5x - 1 - 3x - 1 = 0। x - 1 कॉमन उठा लो, x - 1 5x - 3 = 0। अब दोबारा हम इसके दो क्वेश्चन बना लेंगे, x - 1 = 0, 5x - 3 = 0। x = 1 एंड 5x माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। (3/5) ये हमारे पास सोल्यूशन निकल आया। 1 एंड 3/5 सोल्यूशन सेट। एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जब हम वैल्यूज़ लिखते हैं, अगर 1 इधर आ जाए या 3/5 इधर आ जाए तो इससे क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है वैल्यूज़ को समझना, उसे आइडेंटिफाई करना और उससे सॉल्यूशन एक्यूरेट निकालना।